गुलबर्गा शहर में फ्लिपकार्ट ऑनलाइन कंपनी का एक स्कैम सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, गुलबर्गा शहर के आजादपुर रोड पर रहने वाले सामदानी नामी नौजवान ने फ्लिपकार्ट के जरिए 3 दिन पहले सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल ऑर्डर किया था। जब 18,500 रुपये पे करने के बाद मोबाइल बॉक्स हाथ में आया तो मोबाइल के बदले 5 रुपये वाला साबुन भेजा गया है। फ्लिपकार्ट और इसके जैसे हजारों ऑनलाइन कंपनी हैं जिसके जरिए लोग हर रोज लाखों रुपए के प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। अगर इस तरह से लोगों के साथ धोखा किया जाएगा तो फिर कैसे लोग इन ऑनलाइन कंपनीज पर भरोसा करें। ऐसे हजारों वीडियोस यूट्यूब फेसबुक पर मौजूद हैं जिसमें फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन कंपनीज के फ्रॉड बताए जाते हैं। इसके बावजूद लोग बिना सोचे समझे इन कंपनीज के जरिए रोजाना कई प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं। आज गुलबर्गा शहर में भी एक फ्रॉड डिलीवरी बॉय के सामने पकड़ा गया जिसमें मोबाइल के बदले साबुन भेजा गया है। इस वीडियो के जरिए हम लोगों से गुजारिश करते हैं, आप जब कभी भी कोई ऑनलाइन ऑर्डर बुक करें तो डिलीवरी बॉय के सामने उस ऑर्डर को अनबॉक्सिंग करें, वरना आपका पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप में से किसी के साथ इस तरह का धोखा किया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अक्सर हम और आप हमेशा ऑनलाइन कई चीज़ें ऑर्डर करते होंगे, कई चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर कर डिलीवरी बॉयज़ की तरफ से हमने उसको ऑर्डर एक्सेप्ट किया है, लेकिन आज गुलबर्गा शहर में एक ऐसा वाकया पेश आया है कि आप यह देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट की तरफ से हमारे एक भाई हैं यहाँ पर, उन्होंने सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल ऑर्डर किया था। इस मोबाइल में जब ये मोबाइल ओपन किए तो इसके अंदर से आप देख सकते हैं कि साबुन निकला है। ये बहुत ही शर्म की बात है, इस तरह से जब लोग भरोसा करते हैं कंपनी के ऊपर, ऑनलाइन कंपनी के ऊपर भरोसा कर जब कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो इस तरह से प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, मोबाइल जब ऑर्डर करे हैं तो इस तरह से उनको साबुन निकला है। यहाँ पर हमारे एक भाई हैं अब्दुल समदानी, इनका नाम है। ये मोबाइल कब ऑर्डर करे थे, कितने दिन हुआ था ऑर्डर करके, और कितने रुपये का मोबाइल ये रकम पे करे थे, क्या क्या तफसीलात हैं, तमाम चीज़ें जानेंगे। आप ये मोबाइल कब ऑर्डर करे थे? 3 मार्च को ऑर्डर करा था मैं, तो आज मेरे को रिसीव हुआ ये 18,518 रुपये का मोबाइल है ये। मैं जब खोल के देखा तो साबुन निकला उसके, तो उन्होंने डिलीवरी बॉय बाहर ही थे तो उनको बताया मैं ऐसा, तो उन्होंने खुद शॉक हो गए ऐसा कैसा होता बोल के। यहाँ पर डिलीवरी बॉय भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं ये खुद ये मोबाइल लेकर आए हैं, तो इनसे जानेंगे कि ये जो मोबाइल आप लेकर आए थे, आपके सामने ये मोबाइल खोलने के बाद इसमें से साबुन निकला है, क्या आप यहाँ पर मौजूद थे इस वक्त जब साबुन निकला इसमें से? हाँ, जब मैं देखे गया तब तो साबुन ही निकला था जैसे कि आप देख रहे हैं। क्या नाम आपका? अब्दुल्ला। कितने दिन से डिलीवरी आप सर्विस दे रहे हैं इसमें यहाँ पर? कुछ 7-8 महीने होता है। 7-8 महीने में कभी ऐसा केस आया है आपके सामने? नहीं, ये फर्स्ट केस है। देखिए आप जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो में सामने आपको नजर आ रहा है मोबाइल कवर, आप अगर ओपन करेंगे तो इसके अंदर से ये साबुन निकला है। मोबाइल का चार्जर इसके अंदर है, अवेलेबल है मोबाइल का चार्जर केबल, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मोबाइल की जगह ये साबुन डालकर इनको दिया गया है, इनका ये कहना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे स्कैम हमने कई बार फेसबुक यूट्यूब पर देखे हैं कि कई बार लोग इस तरह से ऑनलाइन डिलीवरी जो आती है उनकी उस बॉक्स को अनबॉक्स करके बताते हैं कि इस तरह से ऑनलाइन स्कैम्स कई लोगों के साथ किए गए हैं। तो आज आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं आप गुलबर्गा में भी इस तरह का वाकया पेश आया है, तो आपसे जानेंगे आप ये जब आप खोल कर देखें जब आपको साबुन निकला तो आप क्या इसके ऊपर आप कार्रवाई करें? इसके ऊपर FIR बुक करना है इनके ऊपर, और कुछ नहीं करना है इनके ऊपर। ये आज मेरे साथ हुआ, कल किसी के साथ ना हो। और ये लोग ऐसा भरोसा करके 18,000 रुपये कभी कभी घर पे भी देते, कभी भी UPI से भी पे करो बोलते हैं लोग, UPI से अगर पे करे तो घर पे दिए तो हम आकर शाम में देखे तो ये लोग जब नहीं मानेंगे, अभी ये शाम में हुआ तो इसलिए मानने के लिए तैयार है उन्होंने। ये जो ऑनलाइन जो ऑर्डर करे थे फ्लिपकार्ट से, आप देख सकते हैं साबुन इसमें से निकला है, तो आप अभी यहाँ पर सामने हैं तो ये इंसिडेंट पे आप क्या बोलेंगे? मैं फ्लिपकार्ट में ऑफिस में फ्लिपकार्ट ऑफिस में काम करता हूँ मैं, पहली बार ये 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ, ये पहली बार ऐसा देखा है मैं केस, ऐसा बाहर एक भी नहीं हुआ। ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट का नहीं है, टू गुड का है। टू गुड मतलब क्या है? टू गुड मतलब सेकेंड हैंड सेल होता, उसमें सेकेंड हैंड अब तुम रिटर्न करते ना, एक प्रोडक्ट मोबाइल ले सोलह था, एक साल यूज करके तुम रिटर्न करते ना, ऐप है कुछ भी है इसमें, सीधे सीधे न्यू फोन बोल के है यहाँ पे, कुछ भी है इसमें। चलो यहाँ बताओ तुम कुछ, तो भी दो ऑप्शन बताओ मेरे, कहाँ है बताओ, क्या देखे आप बताओ,
नहीं है, ये प्रोडक्ट है ना, ये इसमें टूगुड बोल के एक रहता फ्लिपकार्ट का, फ्लिपकार्ट का ऐप सेपरेट रहता, फ्लिपकार्ट का ऐप सेपरेट रहता, वो फ्लिपकार्ट ऐप में डाउनलोड करके तुम्हारा मेल आईडी सब डालना उसमें रिस्पांसिबिलिटी। देखिए बोलो मेरे को तुम यहाँ पर क्या है इसमें बताओ, तुम कहाँ है इसमें, सेकंड हैंड बोल को कहाँ है इसमें बताओ मेरे को, उसमें बताओ तुम इसमें मेरे को, ये फ्लिपकार्ट का है। अरे यार फ्लिपकार्ट में छह नहीं है, मेल आईडी फ्लिपकार्ट में छह नहीं है, अकाउंट रहता है, एक अकाउंट है उधर जाके बोलेंगे पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। ऐप में ऑर्डर करना तुम क्या क्या, आप क्या, आप क्या बोल रहे हो, ये फ्लिपकार्ट की तरफ से क्या बात कर रहे हैं आप? ये फ्लिपकार्ट का है ना, टूगुड का एक ऐप है, फ्लिपकार्ट का ऐप है, ऐप है, फ्लिपकार्ट ऐप में जाके फ्लिपकार्ट तुम ऐप डाउनलोड करके तुम्हारा अकाउंट नंबर और तुम्हारा ये रहता अकाउंट, तुम्हारा एड्रेस वो सब डालना उधर, मेल आईडी के मेल आईडी सब अकाउंट ऐड होता। ये टूगुड में ऑप्शन आता, लिंक आता, ये क्या करते लोग फ्लिपकार्ट में जाके टूगुड ऐप आता, वो लिंक आता, लिंक के ऊपर क्लिक करके सेकंड हैंड सेल 10,000 मोबाइल 5,000 में देते हैं, टूगुड में, टूगुड में 10,000 मोबाइल 5,000 में देते मेरे भाई। आप जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि 3 साल से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं फ्लिपकार्ट में, ये बॉक्स पहली बार ऐसा देखिए, सुनिए ये बॉक्स किसका है, कौन सी कंपनी का है, ये फ्लिपकार्ट का है, सुनिए आप, उन्होंने ऑर्डर फ्लिपकार्ट से किया है, फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे जब कोई प्रोडक्ट आता है चाहे कोई भी कंपनी का हो, कोई भी उसको ये कर रही हो, इसका जिम्मेदार फ्लिपकार्ट ही होता है, इसका जिम्मेदार फ्लिपकार्ट होता है, या मोबाइल की जगह साबुन निकलता है ना, तो इसका जिम्मेदार टू गुड कंपनी नहीं, वेबसाइट जो है फ्लिपकार्ट वही इसकी जिम्मेदार होती है, वही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, समझ में आ रहा ना। तो ये जो प्रोडक्ट निकला है इसके ऊपर तो FIR बुक की जाएगी, और दूसरी चीज इनका अमाउंट जो है पूरा वापस देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये लोग तो पैसे वापस दिए, मार्गिन इसके ऊपर तो केस करना जरूरी है, और केस कर तू भी मैं, और इनो बता रहे कि टू गुड वी गुड फ्लिपकार्ट का छह, इसका जिम्मेदार तो कोई दूसरा तो नहीं है, और मैं साइट भी फ्लिपकार्ट के सर्च करा सो मैं। तो जिस तरह से आप लोग अभी देखे हैं कि यहाँ पर गुलबर्गा में फ्लिपकार्ट के जरिए ये सैमसंग का मोबाइल ऑर्डर किया था, सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल के जरिए आपने देखा है वीडियो में, इसमें साबुन निकला है उनको, तो इस तरह का जो फ्रॉड फ्लिपकार्ट के जरिए उनके साथ किया गया है, ये बहुत ही शर्म की बात है। कई हिंदुस्तान में ही आप देख सकते हैं कि हजारों लोग रोजाना फ्लिपकार्ट जैसे कई वेबसाइट के पर ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है ना ऑर्डर करते हैं, तो इस तरह से उनके साथ जब फ्रॉड किया जाएगा तो ये बहुत शर्म की बात है। ऐसे कंपनियों के ऊपर लोग जब प्रेस करते हैं तो इस तरह का उनके साथ इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। अब ये जो फ्लिपकार्ट की तरफ से इनके साथ ये किया गया है, उनकी रकम तो वापस देने का यहाँ पर भरोसा दिलाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये ऑर्डर कर रहे थे वो कंपनी के ऊपर फ्लिपकार्ट के ऊपर FIR करने की भी बात कर रहे हैं।